आरा गौतम जी, सिखा त्रिपाठी जी, सिख शीतल वर्मा जी, हीरा मोती, पंकज वर्मा, कविता सिंह जी का वेलकम है, स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? प्रिया द्विवेदी जी, सुषमा सिंह जी का वेलकम है, स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग कविता जी। प्रियंका मिश्रा जी का वेलकम, स्वागत है प्रियंका मिश्रा जी। गुड मॉर्निंग सुषमा जी। धर्म सिंह जी का वेलकम, स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग हीरा मोती। आरती पाल जी का वेलकम है, खुश रहिए प्रियंका जी। मनोज कुमार जी का वेलकम है, स्मिता सिंह जी, सीबी यादव, राघव राय जी का वेलकम डियर, स्वागत है आपका। कैसे हैं आप सभी लोग? दिलीप गर्ग जी का वेलकम है, स्वागत है आपका। मैं बहुत बढ़िया। सुमित शर्मा जी का वेलकम, खुश रहिए भैया, खुश रहिए। प्रिया द्विवेदी जी, दिव्य मोहन सिंह जी का वेलकम है, स्वागत है दिव्य मोहन जी। अच्छा सात्विक, हेलो सात्विक, कैसे हैं बाबू जी? अच्छा हम टाइम से आते हैं बिल्कुल। हाँ पायल जी, प्रीति चौरसिया, संजीव राठौर, वेलकम, स्वागत है आपका। एक दिन टाइम पर आकर के ना दंगा काट दो एकदम से, कि हम तो सर आज टाइम पे हैं। रजत कंबोज वेलकम। कविता गुप्ता जी का स्वागत है, कविता जी। स्नेहा गुप्ता जी वेलकम। रजत कंबोज जी का वेलकम है, स्वागत है आपका रजत कंबोज जी। आरडी वर्मा शुक्ला जी वेलकम, स्वागत है आपका। कैसे हैं आप सभी लोग? धूम मचा देंगे। सही है सही है। हाँ बिल्कुल, थैंक यू। सगुन जी का, स्वाति पाल जी का वेलकम है, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से मैं तीन पर आ गया हूँ, ठीक है। अच्छा, निशा जी का वेलकम, स्वागत है आपका। ये आप सभी का प्यार है, इसको बनाए रखिए निशा जी। अंकिता शर्मा जी, स्पार्कल ठाकुर जी वेलकम, स्वागत है। अंकिता जी अभी आपका हो गया ये? अच्छा एमएस पाउल जी वेलकम, स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग अंकिता जी। क्या पढ़ने का इरादा है? क्वेश्चन करने का इरादा है या यूपी स्पेशल? रवीश मिश्रा, एमएस पाउल वेलकम, स्वागत है आपका। नेहा तिवारी वेलकम, बताइए। ठीक है, यूपी स्पेशल एंड क्वेश्चन, मैं सभी के जवाब देख रहा हूँ। क्वेश्चन ओके, यूपी स्पेशल क्वेश्चन, यूपी स्पेशल क्वेश्चन ओके। चलिए बताइए क्या पढ़ने का इरादा है, सभी लोग बता दीजिए एक बार, तो हिसाब से मूड बना दिया जाए। यूपी स्पेशल के क्वेश्चन, यूपी स्पेशल के अभी तो आज नहीं मिलेंगे, कल से मिलने लेंगे। धीरज त्रिवेदी जी ठीक है, गौरव सिंह गौतम वेलकम, स्वागत है आपका ओके। कीर्ति सिंह जी का वेलकम है, स्वागत है आपका ठीक है। ओ सभी साथियों का वेलकम है, प्रणाम गौतम जी, खुश रहिए भैया। सौरभ मिश्रा जी वेलकम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग कीर्ति जी। किम तिवारी जी का वेलकम है, स्वागत है किम तिवारी जी। सुबोध जी का वेलकम है, स्वागत है आपका सुबोध जी। अंकिता जी का वेलकम है। चलिए दोनों करेंगे आज, आज दोनों करेंगे। कल हम यूपी में पढ़ा रहे थे कोई टॉपिक आपका, जहां तक यूपी का इतिहास पढ़ा रहे थे ना, तो उसका एक छोटा सा टॉपिक है। जय किशन सिंह जी का वेलकम है, स्वागत है। एक छोटा सा टॉपिक है, यूपी के नामकरण कैसे पढ़े। ओके आर डी वर्मा जी, अरे वाह, सर्वस्ती से आप तो मेरे पड़ोसी निकले यार, ठीक है आते हैं सर्वस्ती, फिर बताते हैं आपको। रोहित नागर जी, कुलदीप पूजा जी वेलकम, ठीक है। हाँ बिल्कुल, मैं ठीक हूँ अभी तो, फिलहाल ठीक हूँ ठीक है। तो हम सोच रहे हैं कि वो नामकरण करवा देते हैं, उसके बाद आप लोगों का मॉडर्न हिस्ट्री हुआ नहीं है, मॉडर्न हिस्ट्री मैंने पूरी अभी नहीं कराई है। रणबीर सिंह जी का वेलकम है, स्वागत है आपका ठीक है। तो मुझे लगता है कि हाँ, मुझे लगता है कि हमें वो भी करवाना चाहिए। अनुपम जी का वेलकम है, क्या है बताइए, सही है ना? क्योंकि एग्जाम आने वाला है, मॉडर्न से क्वेश्चन बहुत आएंगे। प्रख्यात कीर्ति जी ज्वाइन,
यूजर जी ज्वाइन हुए, स्वागत है आपका। ठीक है, तो हम वो नामकरण करवा करके ना, नहीं नहीं एक छोटा सा टॉपिक है, 5-10 मिनट का टॉपिक है। ओके 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 ओके, अच्छा आशुतोष जी, ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है। तो वो छोटा सा टॉपिक है उसको कवर करा, रिक्की यादव जी वेलकम, स्वागत है आपका। तो छोटा सा टॉपिक है प्रिया भारती जी, हाँ शीतल जी, यूपी की स्पेशल क्लास है तो होती है, डेली होती है, और देखूंगा अगर दोपहर से मुझे क्वेश्चन की सीट मिल जाएगी अगर दोपहर से, तो यूपी के स्पेशल के दोपहर से क्वेश्चन भी शुरू कर देंगे। मुकुंद त्रिपाठी जी वेलकम, भूपेंद्र सिंह जी का वेलकम, स्वागत है आपका। ठीक है, तो वो दोनों काम हम शुरू कर देंगे, दोनों काम हम शुरू कर देंगे। इसके साथ साथ आयुष ठाकुर जी का वेलकम, स्वागत है आयुष ठाकुर जी, वो दोनों काम शुरू कर दे। पहले हम देख लेते हैं, एक छोटा सा टॉपिक है उत्तर प्रदेश का नामकरण, उसके बाद आज बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है मॉडर्न इंडिया के, मॉडर्न हिस्ट्री के बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। तो भैया थोड़ा सा 10 मिनट का इंतजार करना पड़ेगा, उसके बाद हम क्वेश्चन शुरू करेंगे। अश्विनी तिवारी जी वेलकम, पहले चलिए पहला क्वेश्चन कर लेते हैं। आप सभी लोग जानते होंगे मैं विपिन कुमार गुप्ता, आप सभी का एक बार वेलकम करता हूं। ठीक है, हाँ बिल्कुल, और विपिन जायसवाल मेरा अनअकैडमी कोड है, आपको सब्सक्रिप्शन लेने के लिए 12 अक्टूबर से एक क्या बैच आ रहा है, आर ओ आर ओ मेन्स के लिए बैच आ रहा है, सभी लोग इससे परिचित होंगे, सभी लोग इसमें सारे टीचर से परिचित हैं, विपुल त्रिपाठी जी हैं, धनंजय जी हैं, ठीक है, और उसके साथ साथ क्या है, ये विपिन जायसवाल हैं आपके, विवेक गुप्ता, ऋषभ उमराव जी, निर्मेश सर हैं, अमरनाथ गुप्ता, आशीष को, पूरी टीम के साथ क्या आ रहा है, आर ओ आर ओ का मेन्स का बैच आ रहा है। तो जिन साथियों को सब्सक्रिप्शन लेना है, निहारका जी का वेलकम है, जिन साथियों का सब्सक्रिप्शन लेना है वो क्या कर सकते हैं, 1 महीने 3 महीने 6 महीने या 12 महीने, इसके साथ साथ क्या है 24 मंथ का आता है, तो उसमें क्या करिए आप, उसमें विपिन जायसवाल कोड का इस्तेमाल करें, 10% का डिस्काउंट पाएंगे, विपिन जायसवाल कोड करना है था। और भी आपको किसी प्रकार के डिस्काउंट वगैरह, मैक्सिमम डिस्काउंट वगैरह या कुछ चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, आप मुझसे एक बार राधे राधे, आप विपिन कुमार गुप्ता प्रोफाइल पे जाकर के संपर्क कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन स्वराज पार्टी के नेता, पहला क्वेश्चन आप में से है। रूबी सिंह जी का वेलकम है, स्वागत है आपका। अश्विनी तिवारी जी राम राम बेटा, राम राम। सोनम बिस्ला जी वेलकम, स्वागत है आपका। पहला है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन स्वराज पार्टी के नेता, हु अमंग द फॉलोइंग वर द लीडर्स ऑफ स्वराज पार्टी, चित्तरंजन दास एवं बाल गंगाधर तिलक, मोतीलाल नेहरू एवं जवाहरलाल नेहरू, चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक एवं जवाहरलाल नेहरू। एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं फिर हम शुरू करते हैं, थोड़ा सा वो टॉपिक है उसको करने के बाद सीधे हम क्या आ जाएंगे, फिर से क्वेश्चन के लाइन पे आ जाएंगे। करा दे जाए पोल, तैयार है आप लोग, आपको बताना है स्वराज पार्टी के नेता कौन थे, आपको इनमें से बताना है, ये रहा पोल आपके सामने, निम्न में से निम्नलिखित में से कौन स्वराज पार्टी के नेता है, आपको इनमें से बताना है। जवाब आता हुआ, बहुत बेहतर है संदीप कुमार जी वेलकम। ठीक है, अनिमेश पांडे वेलकम, गोलू वर्मा जी वेलकम, स्वागत है आपका। जा ठीक है, 49% सही जवाब आता हुआ, गोलू वर्मा जी, सानली साक जी का वेलकम है। तो स्वराज पार्टी के नेता कौन हुआ करते थे, स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई, कोई बताएगा स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई, गोलू वर्मा, सानली सिंह, हाँ बिल्कुल 1923, इसका सही जवाब क्या है, चित्तरंजन दास एंड मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास एंड मोतीलाल नेहरू क्या थे, इसके लीडर हुआ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन देशबंधु के नाम से प्रसिद्ध है, निम्नलिखित में से कौन देशबंधु के नाम से प्रसिद्ध है, चंद्रशेखर, चित्तरंजन दास, एवो हुम, एनी बेसेंट, आपको देना है सही जवाब, ये रहा पोल आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन देशबंधु के नाम से प्रसिद्ध है, आपको देना है सही जवाब, चंद्रशेखर, चित्तरंजन दास, एवो हुम, एनी बेसेंट, आपको दे 88% सही जवाब चलता हुआ, बहुत बढ़िया 88% सही जवाब चलता हुआ। ठीक है, एवो हुम को हरमिट ऑफ शिमला, बिल्कुल शिमला का संत कहा जाता है, बिल्कुल करेक्ट है दिव्य मोहन जी, बहुत बढ़िया। ऋतु कपास्या जी का वेलकम है, स्वागत है। निम्नलिखित में से कौन देशबंधु के नाम से प्रसिद्ध है, आपको जवाब देना है, कौन प्रसिद्ध है, चित्तरंजन दास, चित्तरंजन दास। आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, उत्तर प्रदेश का सबसे प्राचीनतम नाम क्या है, उत्तर प्रदेश का सबसे प्राचीनतम नाम क्या है, बताइए कोई बताएगा, उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम नाम क्या है, आपको देना है जवाब। ठीक है, यूपी बजट करवा देते हैं। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट आ रहा है, मध्य देश आ रहा है सही जवाब, बिल्कुल बहुत बढ़िया, मध्य देश आ रहा है सही जवाब, मध्य देश। कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जो आज मेरे साथ पहली बार क्लास ले रहा है,
सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक गुरु कौन था? जीके गोखले, सीआर दास, बीसी पाल, बीजी तिलक। ममता सहाय जी का वेलकम है, स्वागत है आपका। सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक गुरु कौन हुआ करता था, आपको जवाब देना है। किरण सिंह जी का वेलकम, स्वागत है आपका। ये रहा पोल आपके सामने, लगाइए टप्पा। सी आर दास का, हाँ आर डी वर्मा जी आप हैं, आपके अलावा ठीक है, आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे। सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक, ठीक है। चिंटू राज, अंकित यादव जी वेलकम, स्वागत है। सूरज जी का वेलकम है। सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक गुरु कौन था, आपको देना है जवाब। 56% जवाब देता हुआ भैया, सभी महात्मा गांधी, सभी जिन्ना का जानते हैं, हम किसका बता रहे हैं आज आपको, सुभाष चंद्र बोस का बता रहे हैं। सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक गुरु कौन हुआ करता था, कौन होता है? चितरंजन दास। क्या हुआ करते थे? चितरंजन दास, सी आर दास या कह सकते हैं। इनको अपना क्या करते थे, इनको अपना ये राजनीतिक गुरु मानते थे। गोपाल किस गोखले किसके गुरु हुआ करते थे? 56%। हाँ दिव्य मोहन जी, क्लियर हो जाएगा, क्लियर। डिटेल में पढ़ना है तो सब्सक्रिप्शन ले लीजिएगा, डिटेल में पढ़ना है तो सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, सब्सक्रिप्शन ले लीजिए ठीक है। बाबू भैया वेलकम दिया, स्वागत है आपका। डिटेल में के लिए अरविंद कुमार जी का वेलकम है, डिटेल के लिए सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। विपिन जायसवाल कोड का इस्तेमाल करिए ठीक है। जो भी आपको किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए, किसी प्रकार डिस्काउंट वगैरह चाहिए तो आप मुझसे संपर्क कर लीजिए। टीएस जी का वेलकम है, स्वागत है आपका ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गोखले वाज गुरु आप एम के गांधी, बिल्कुल बिल्कुल। भारत में स्वराज पार्टी की स्थापना निम्नलिखित कारणों में से एक अथवा अधिक के लिए की गई थी। स्वराज पार्टी, गांधी जी का द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस लेना, मनोज कुमार जी का वेलकम है, सौरभ सिंह जी का वेलकम है। काउंसिलों में प्रवेश कर तथा उन्हें काम न करने देकर 1919 में भारत शासन अधिनियम का उच्छेदन करना, ब्रिटिश सरकार का दमन, ओके, भारतीय द्वारा इस आशक की अनुमति की उन्हें प्रशासन का अनुभव प्राप्त करना चाहिए। आपको बताना है कि स्वराज पार्टी की स्थापना के इनमें से कौन कौन से कारण रहे हैं, कौन कौन से कारण है। अक्षय गुप्ता जी, नीतू सिंह जी का वेलकम है, स्वागत है आप सभी साथियों का। आपको बताना है इनमें से सही जवाब। भारत में स्वराज पार्टी की स्थापना निम्नलिखित कारणों में से एक या अथवा अधिक के लिए की गई थी, आपको देना है। बच्चा फंसता हुआ, 13% जवाब चल रहा, 13% जवाब चल रहा। मात्र 16% जवाब आ रहा है ठीक है, 15% मात्र जवाब है, 16% ठीक है। पोल आया, अविनाश कुमार जी का वेलकम है। पहला और दूसरा क्या है सही? गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस लिया गया। दूसरी बात क्या था, दूसरी चीज क्या था कि काउंसिल में प्रवेश के समर्थक स्वराज दल के नेताओं का तर्क था कि असहयोग आंदोलन को रोक देने के बाद क्या था, कार्यकर्ताओं के समक्ष कोई कार्यक्रम नहीं था और वे विधान परिषदों के अन्य सदस्यों के सहयोग से सरकार की दमनकारी कार्यों का विरोध करना तथा कार्यक्रम के अभाव में क्या है, हिंदू मुस्लिम एकता को टूटने से बचाने के लिए क्या किया गया था, ये काम किया गया था। तो पहला और दूसरा क्या इसका सही जवाब है, इसलिए क्या इसका इसका बी सही है, इसका क्या है बी, इसका क्या है सही जवाब ठीक है। वह काउंसिलों में प्रवेश करके नौकरशाही के किलों को तोड़ना चाहते थे, ये भी एक कारण हुआ करता था ठीक है। स्वराज पार्टी क्यों स्थगित की गई, सरकार से स्थापित की गई, स्वराज पार्टी क्यों स्थापित की गई, व्हाई वाज द स्वराज पार्टी एस्टेब्लिश्ड। अचल सिंह कुशवाहा जी का वेलकम है। सरकार के से सहयोग करने हो, विधानसभाओं में अवैध डालने हो, कांग्रेस के समानता सरकार बनाने हो, कांग्रेस नेताओं नेतृत्व में फूट के कारण। अभिषेक जी का वेलकम है। स्वराज पार्टी की स्थापना क्यों गई है, स्थापित की गई थी, आपको बताना है सही जवाब। स्वराज पार्टी की स्थापना क्यों गई थी, यहां भी बच्चा फंसेगा। या माखन लाडला, श्रद्धा पांडे, पुनीता जी का वेलकम है, स्वागत है। कहां रह जाते हैं भैया आप लोग, काफी लेट जुड़ रहे हैं। अभी हमने बताया कि स्वराज पार्टी, ठीक है हाँ बिल्कुल फंस गए। लवली गौर जी का वेलकम। अभी हमने बताया कि स्वराज पार्टी के घोषणा पत्र में ही क्या थी, अपनी नीति की घोषणा करते हुए प्रतिज्ञा की थी कि वे केंद्रीय सभा एवं प्रांतीय परिषदों के माध्यम से सरकार के कामकाज में क्या करेंगे, रोकने के लिए सतत एवं सुसंगत एवं उसके साथ साथ क्या है, अविरल विरोध का नीति का अनुसरण करेंगे। लीडर बोर्ड देख लीजिए ठीक है। नेटवर्क इशू हो सकता है। आर डी वर्मा जी, रणवीर सिंह जी टॉप पे चल रहे हैं, संजीव राठौर जी, शुक्ला जी, रिक्की यादव जी, कीर्ति सिंह जी,
दिव्य मोहन जी, एम एस पॉल जी, भूपेंद्र सिंह जी, रूबी सिंह जी, अश्विनी तिवारी जी। ठीक है, इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब बी इसका क्या है, बी इसका करेक्ट आंसर है। स्वराज दल का मुख्य उद्देश्य था असहयोग को काउंसिल तक पहुंचाना, पूर्ण स्वराज, ठीक है, स्वशासन, हिंसात्मक साधनों से अंग्रेजी शासन का विनाश करना। स्वराज पार्टी का बताना है आपको मुख्य उद्देश्य क्या था। स्वराज दल का मुख्य उद्देश्य था असहयोग को काउंसिल तक पहुंचाना। अरे यार, कितनी बार अभी हमने समझाया कि क्या करेंगे जाकर के, अवरोध डालेंगे। अवरोध का मतलब क्या है, सहयोग करेंगे कि असहयोग करेंगे, बताइए। अवरोध डालने का मतलब क्या है, सहयोग करना थोड़ा नहीं हुआ ना। तहसीन खान जी वेलकम, स्वागत आपका। अवरोध डालने का मतलब क्या है, असहयोग करना, करेक्ट ना। 34% सही जवाब, असहयोग को काउंसिल तक पहुंचाना क्या है इसका सही जवाब। आकाश कुमार जी, तान्या जी का वेलकम है, स्वागत है। असहयोग को क्या था, काउंसिल तक पहुंचाना था इसका ये सही जवाब। ठीक है, रिक्त स्थान की पूर्ति करना। नेहरू रिपोर्ट डॉट डॉट डॉट, नाजिया जी का वेलकम है, की अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा तैयार किया गया था और इसका विषय क्या था। सरता चौहान जी वेलकम। ठीक है, मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू ब्रिटिश साम्राज्य के साथ भारत का रिश्ता, जवाहरलाल नेहरू भारत में स्थानीय शासन, मोतीलाल नेहरू भारत में संवैधानिक विशेषताएं और जवाहरलाल नेहरू भारत में संवैधानिक व्यवस्थाएं। आपको बताना है इसका सही जवाब क्या है। नेहरू रिपोर्ट की क्वेश्चन मार्क के साथ की अध्यक्षता में एक कमेटी तैयार की गई थी और इसका विषय था डॉट डॉट डॉट। आपको बताना है इसका सही जवाब क्या है। ये रहा पोल आपके सामने, नेहरू रिपोर्ट की अध्यक्षता में एक कमेटी तैयार किया गया था। 43% सही जवाब चलता हुआ, 43% जवाब चलता। बात यह थी कि उन्होंने भारतीय ऐसा संविधान बनाए, एक वैसा संविधान बनाए जिसमें क्या था, जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा लगे, लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने भारत में स्थानीय स्वशासन की मांग करती, भारत में स्थानीय स्वशासन की मांग करते हुए क्या था, नेहरू रिपोर्ट की प्रस्तुति की। शशिकांत पांडे जी का वेलकम है, स्वागत है आपका। नेहरू रिपोर्ट भारत में स्थानीय शासन को लेकर वर्ष 1929 में से, ठीक है, जारी किए गए दीपावली घोषणा पत्र का संबंध था सांप्रदायिक समस्या से, डोमिनियन स्टेट से, श्रमिक नेताओं से, अस्पृश्यता से। गीतांजलि सिंह जी, ऋतु मौर्य जी वेलकम दिया, स्वागत है आपका। ठीक है, हमने क्या दिया था पोल में, हमने पोल क्या दिया था, सी दिया था क्या? ओके, सॉरी 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 सॉरी, पोल क्या है, एक मिनट, नेहरू रिपोर्ट की अध्यक्षता में, अच्छा नहीं 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 सही है सही है सही है सही है, हम गलत लगा दिए, एक वेट करो वेट करो वेट करो। ये नेहरू रिपोर्ट अगर पूछा जाएगा किसके द्वारा पेश की गई तो उसमें ये होगा, सी ही सही है, बिल्कुल करेक्ट है, मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में, बिल्कुल हाँ हाँ ठीक है ठीक है, मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में, रागिनी गिरी जी, नागेंद्र कुमार स्वागत जी, अध्यक्षता में क्या है, सात दलों, सात सदस्यों को क्या है, सात सदस्य की एक समिति बनी थी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सात सदस्य एक समिति बनी थी जिसमें क्या किया गया था, भारत के सिद्धांतों का निर्धारण किया गया था, सिद्धांतों का निर्धारण किया गया था और 28 अगस्त 1928 में इसको क्या किया था, प्रस्तुत किया। सात मेंबर थे, बिल्कुल हाँ, ये सात मेंबर हमने बता दिया। प्रणाम बेटा, रागिनी जी खुश रहिए। 1929 में जारी किए गए दीपावली घोषणा पत्र का संबंध किससे था, हम कोई हिंट नहीं देंगे, अगर आप लोग ध्यान से देख रहे होंगे तो किसी, अच्छा अब तो वो दिखता ही नहीं, कमेंट दिखता ही नहीं है ना बच्चों को। वर्ष 1929 में जारी किए गए दीपावली घोषणा पत्र का संबंध था, किससे संबंध था, 49% सही जवाब देता हूं। दीपावली घोषणा पत्र का संबंध किससे था, आपको देना है सही जवाब। मुझे दिखेगा या फिर आप सभी को प्लस स्पेशल वालों को, केवल प्लस वालों का कमेंट दिखेगा। ठीक है, वर्ष 1929 में जारी किए गए दीपावली घोषणा पत्र का संबंध था, किससे संबंध था, डोमिनियन स्टेट से। और आप अपने सहपाठी को परेशान मत किया करिए, कल पांच लर्नर ब्लॉक हुए हैं एकेडमी से, वो प्लस वाले भी थे। ठीक है ठीक है, ओके थैंक यू अश्विनी जी।
स्वराज पार्टी की गठन किसकी असफलता के बाद हुआ था? स्वराज पार्टी का गठन की असफलता के बाद हुआ था? असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, सिविल नारफामी आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन। ठीक है, आपको जवाब देना, स्वराज पार्टी का गठन की असफलता के बाद हुआ था। ठीक है, कुछ लड़के होते हैं ना ज्यादा स्मार्ट बनने लगते हैं, वो अपने सहपाठी को भी परेशान करते हैं और प्लस क्या है, कभी कभार टीचर को भी परेशान करने लगते हैं। ठीक है, तो उनकी कंप्लेन 3-4 बार लगातार पहुंच गई थी। अगर मैं आपको कोई भी टीचर, स्वप्निल साहनी जी वेलकम, कोई भी टीचर किसी स्टूडेंट को 5 बार से ज्यादा ब्लॉक कर देगा तो अनकेडमी उसको हमेशा के लिए ब्लॉक कर देती है, ये बात ध्यान रखिएगा। ये हमारे पास क्या है, कौन सी पावर है, ये पॉकेट वीटो पावर है ये। ठीक है, अच्छा 70% बता देना चाहिए था आप मुझे, मुझे न्यूज पहुंचा देते एक बार। ठीक है, गुड मॉर्निंग कबीर सिंह जी का, गुड मॉर्निंग। ठीक है, अरे तो जगह प्लस वाला बच्चा ब्लॉक कर दिया गया तो क्या है? ठीक है, अच्छा सुनी जी कॉल कर लीजिएगा, कॉल कर लीजिएगा, जो जानकारी होगी कॉल में है। और जो बच्चे ग्रुप पे नहीं जुड़े हैं वो विपिन कुमार गुप्ता प्रोफाइल पे जाने के बाद मुझे फॉलो कर लीजिएगा, और फॉलो करने के बाद आप मुझे यहाँ से मैसेज कर दीजिएगा, हम आपको यहाँ से उठा लेंगे, हम आपको यहाँ से उठा लेंगे। ठीक है, ठीक है। स्वतंत्रता पूर्व भारत में निम्नलिखित में से किसने केंद्रीय विधानसभा से स्वराज दल का समर्थन किया था? नमता सिंह जी का वेलकम है। स्वतंत्रता पूर्व भारत में निम्नलिखित में से किसने केंद्रीय विधानसभा से स्वराज दल का समर्थन किया था? सुशांत उपाध्याय जी का वेलकम है, स्वागत है आपका। और जो बच्चे फिर से नया अकाउंट बनाएंगे वो नए अकाउंट पे, अगर बदमाशी फिर से करेंगे तो नए अकाउंट पे फिर से क्या होगे? प्रिया मिश्रा जी वेलकम है। ठीक है, हाँ स्वतंत्रता पूर्व भारत में निम्नलिखित में से किसने केंद्रीय विधानसभा से स्वराज दल का समर्थन किया था? किसने किया था? एम ए जिन्ना ने किया था, एम ए जिन्ना ने किया था। क्लियर, 28% सही जवाब बताओ। ठीक है, प्रिया मिश्रा जी का वेलकम है, स्वागत है आपका। भारत में, शिखा शर्मा जी का वेलकम है, भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार के मुख्य कारण क्या थे? समय से पूर्व नियुक्ति, सभी अंग्रेज सदस्य थे, सभापति ब्रिटिश लिबरल पार्टी का सदस्य था, गांधी जी का असहयोग आंदोलन। आपको बताना है कि इनमें से सबसे ज्यादा विरोध का कारण क्या रहा है भारत में साइमन कमीशन का। ठीक है, हिना जी का वेलकम है, स्वागत है हिना जी। भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार के कारण, जिन साथियों ने अभी तक एंसेंट हिस्ट्री का कंप्लीट कोर्स नहीं किया है, एंसेंट हिस्ट्री का कंप्लीट कोर्स हो चुका है प्लस पर। ठीक है, हाँ बिल्कुल, सातों मेंबर के नाम लिखवा दे रहे हैं, सातों मेंबर के नाम लिखवा दे रहे हैं। एंसेंट हिस्ट्री का मेरा कंप्लीट कोर्स हो चुका है, तो जो भी साथी एंसेंट हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं आप मेरी प्रोफाइल पे जाकर के, प्लस वाले स्टूडेंट हो मेरे प्रोफाइल पे जाकर के क्या कर सकते हैं, आप मुझे यहाँ से एंसेंट हिस्ट्री का कंप्लीट कोर्स पढ़ लीजिए, इससे ज्यादा बाहर क्वेश्चन एक भी आएगा नहीं। सभी सदस्य क्या थे? सभी सदस्य अंग्रेज थे। पूजा वर्मा जी वेलकम, स्वागत है आपका। और जिन साथियों को प्लस का सब्सक्रिप्शन चाहिए वो क्या कर सकते हैं, आप मुझे यहाँ पे मैसेज कर लीजिए, मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ प्लस का। और आपको बता दें, ठीक है, कुछ फी स्ट्रक्चर में भी चेंज होने वाला है, तो जिन साथियों को जितनी जल्दी लेना है मैक्सिमम डिस्काउंट से लेना है, विपिन जायसवाल कोड का क्या करिए, इस्तेमाल करिए, विपिन जायसवाल कोड का इस्तेमाल करिए। निम्नलिखित साइमन कमीशन के सदस्यों में से कौन उदारवादी था? आपको देना है जवाब, ठीक है, नहीं मॉडर्न हिस्ट्री शुरू करना है, क्वेश्चन करवा चुके हैं कीर्ति सिंह जी, एंसेंट के क्वेश्चन हम करवा चुके हैं। ठीक है, तीन ही ऑप्शन है, चलिए डी लिख लीजिए, इनमें से कोई नहीं। निदा जी वेलकम है, स्वागत है। पारुल शर्मा जी, प्लस पे आपको क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ये स्पेशल क्लास है, प्लस और स्पेशल क्लास का अभी पेपर है, पेपर के हिसाब से मुझे क्वेश्चन करवाने हैं, और मुझे अपने हिसाब। नमिता जी हमने ग्रुप में नहीं ऐड किया, हाउ इट इज पॉसिबल, फोकस्ड बेटा, स्वागत है आपका। अभी तुरंत कर देना, तुरंत करना एक बार मुझे मैसेज, और मैं फिर से तुरंत करता हूं। हाँ, इसके बाद मेडवल से 5 या 7 तारीख से, ठीक है, ठीक है,
5 से 7 तारीख के बीच में मेडवल का कोर्स आ रहा है, मेडवल का कोर्स आ रहा है। अच्छा, इटली कब प्रधानमंत्री रहा है बताइए, इटली इटली कौन था, इटली प्रधानमंत्री हुआ है ना, इटली प्रधानमंत्री हुआ है ना, नहीं हुआ है। यहां पे मेजर इटली की बात हो रही है, क्लेमेंट इटली की बात नहीं हो रही है, यहां पे मेजर इटली है, क्लेमेंट इटली नहीं है, ठीक है, यहां पे मेजर इटली है। तो इसका सही जवाब क्या है, सर जॉन कमीशन, सर जॉन कमीशन। 7 मेंबर थे, ठीक है, 7 मेंबर थे, 7वें मेंबर का नाम लिखवा दिया जाए क्या, 7वें मेंबर के नाम लिखवा दिया जाए, राम 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 रविया, ठीक है, हाँ लिख लो भैया, काहे नहीं लिखोगे अनिमेष पांडे जी, काहे नहीं लिखोगे। देखिए पहला नाम आपका है सर जॉन साइमन, ठीक है, गौरव शुक्ला जी वेलकम, स्वागत है आपका। दूसरा है क्लेमेंट इटली, क्लेमेंट इटली। तीसरा है गौरव शुक्ला जी वेलकम, स्वागत है, हैरी लेवी लासन। चौथा है आपका सर एडवर्ड सेलिल जॉर्ज कडोगन। भैया एक ही नाम है, एड्रेस वड्रेस नहीं है ये, ठीक है, एक ही नाम है, ठीक है। पांचवा, पांचवा देखिए, अगर अगर हम नाम नहीं जानेंगे तो बताइए ऐसे क्वेश्चन, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन, ये वाले क्वेश्चन कैसे करेंगे बताइए, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आगे चल करके हम कैसे करेंगे, ठीक है। बर्नोन, बर्नोन हार्डसोन, बर्नोन हार्डसोन छठा है, ठीक है, हो ही पाएंगे ऐसे क्वेश्चन, तभी हो पाएंगे ना, ठीक है। और छठा है आपका जॉर्ज रिचर्ड, सुचिता श्रीवास्तव जी वेलकम, भैया स्वागत है आपका, लेन फॉक्स। और आपका सातवां है डोनाल्ड ट्रंप, नहीं है डोनाल्ड एस्टेलिन पामर हार्वर्ड, ठीक है, ये सातों के नाम, ये सातों के नाम है। गुड मॉर्निंग सुचिता जी, गुड मॉर्निंग, काफी दिन बाद दिख रही हैं। ये सातों के नाम है जो साइमन कमीशन के क्या हुआ करते थे, मेंबर हुआ करते, ये मेंबर हुआ करते थे। ये अरे ये पूरा मैंने स्लाइड भी लगा दिया, पूरा स्लाइड भी मैंने लगा दिया, किस पार्टी से कौन कौन था ये भी पूरी मैंने स्लाइड लगा दी, आप लोग देख लीजिए। अलका तिवारी जी का वेलकम। साइमन कमीशन के आने के विरुद्ध भारतीय जन आंदोलन क्यों हुआ, ठीक है, हाँ हाँ क्लेमेंट इटली जीसी जी का वेलकम है, स्वागत है आपका। अरे पीडीएफ मिल जाएगी, पीडीएफ मिल जाएगी, भेज दूंगा पीडीएफ, पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। साइमन कमीशन अभी 3-4 दिन से इसलिए नहीं भेज रहे थे पीडीएफ, क्योंकि मैं उसमें डिटेल में कोर्स करा रहा था, तो हम उसमें क्या कराते, क्वेश्चन नहीं करवा रहे थे, ठीक है, ठीक है, ठीक है। भारतीय जन आंदोलन, साइमन कमीशन के आने के विरुद्ध भारतीय जन आंदोलन क्यों नहीं हुआ आपको बताना है, ठीक है। भारतीय 1919 में अधिनियम की कार्यवाही पुनरीक्षण नहीं करना चाहते थे। साइमन कमीशन ने प्रांतों में दुशासन की समाप्ति की संस्तुति की रिकमेंडेशन किया। साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। साइमन कमीशन ने देश के विभाजन का सुझाव दिया। आवाज नहीं आ रही क्या, आवाज मेरी नहीं पहुंच रही क्या, दिक्कत आ रही कोई, ऑल ओके ना, क्लियर, साइमन कमीशन के आने के विरुद्ध भारतीय जन आयोग में। पंकज जी का वेलकम है, पंकज कुमार जी का, अर्चना पांडे जी वेलकम, भैया स्वागत है आपका। साइमन कमीशन के आने के विरुद्ध भारतीय जन आंदोलन क्यों नहीं हुआ, आपको इनमें से देना है सही जवाब, आपको देना है इनमें से सही जवाब। 81% सही जवाब चलता हुआ, बहुत बढ़िया। साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, इसलिए क्या हुई है, दिक्कतें हुई है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। साइमन कमीशन का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा बहिष्कार किया गया, निम्न में से कौन सा बहिष्कार के पीछे नहीं था, निम्न में से कौन सा कारण बहिष्कार के पीछे नहीं था, इसमें कोई भारतीय शामिल नहीं था, इसके भारतीयों के आत्मनिर्णय के अधिकार की उपेक्षा की, यह समय से पहले निर्मित किया गया था, इसके सभी सदस्य अंग्रेज थे, आपको इनमें से देना है सही जवाब, आपको देना है इनमें से सही जवाब। अशोक जी का, चंदन सिन्हा जी का वेलकम है, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ कर देंगे अश्विनी जी, बिल्कुल कर देंगे। और जो भी साथी ग्रुप पे नहीं जुड़े हैं वो ग्रुप पे भी जुड़ जाएं, ठीक है। और जिन साथियों का प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना है जल्दी से जल्दी प्लस का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, क्योंकि 5 या 7 से मेरा आ रहा है मेडोल हिस्ट्री का कोर्स, और आप लोग इसमें एनरोल करके क्या करिए, पूरी तरीके से कोर्स का आनंद लीजिए, ठीक है।
साइमन कमीशन का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का द्वारा बहिष्कार किया गया था, निम्न में से कौन से बहिष्कार का कारण नहीं था? अरे बच्चे काहे फंस रहे हो, आलोक चौहान जी वेलकम, स्वागत है। ये किस क्वेश्चन पे क्यों फंस रहे भैया? इसने कोई भी भारतीय सम्मिलित नहीं था भैया, ये तो सही करेक्ट है, ये करेक्ट है। इससे भारतीयों के बिल्कुल अपेक्षा की गई, जब कोई भारतीय नहीं रहेगा तो उसमें आत्मनिर्णय कैसे ले पाएगा, ठीक है। हाँ बाकी तीनों का मतलब एक ही है, ठीक है ठीक है। संजीव राठौर जी टॉप पे चले, कीर्ति सिंह जी, दिव्य मोहन जी, शुक्ला जी, रणवीर सिंह जी, रोहित नागर, अश्विनी तिवारी, भूपेन्द्र सिंह, विक्की यादव, निहारका जी, ओके बहुत बढ़िया लीडरबोर्ड चलता। और इसके सभी सदस्य अंग्रेज थे, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? इसलिए इसको स्वायत्त कमीशन भी कहा जाता है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? इसलिए इसको स्वायत्त कमीशन के भी नाम जाता है। ये क्या हो जाएगा, ये गलत होगा। हाँ मेरी क्लास शाम को 3 बजे से होगी, शाम को 3 बजे से होगी। किसके सुझावों पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था? एमके सिंह जी का वेलकम है भैया, कहाँ रह जाते हो एमके सिंह। किसके सुझावों पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था? लॉर्ड रेडिंग, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, सर जॉन साइमन, लॉर्ड इरविन। आपको बताना है साइमन कमीशन पे किसके सुझाव पर भारतीयों को बाहर रखा गया था, आपको देना है इनमें से सही जवाब। ठीक है बिल्कुल, तो लॉर्ड इरविन के सुझावों पर क्या किया था भारतीयों को साइमन कमीशन से क्या किया था, बाहर रखा गया था। साइमन कमीशन से क्या किया गया था, इसको बाहर रखा गया था, लॉर्ड इरविन। 29% मात्र इसका सही जवाब है, 29% मात्र इसका सही। अगला क्वेश्चन बहुत बढ़िया, कांग्रेस ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया था, ठीक है। साइमन कमीशन में एक भी सदस्य भारतीय नहीं था, एक भी सदस्य क्या है, भारतीय नहीं था, ठीक है। साइमन की अध्यक्षता में ही क्या किया गया था, भारतीय संवैधानिक आयोग का गठन किया गया था, और उसके सुझाव पर ही क्या किया गया था कि एक भी भारतीय को ना रखा जाए, उसने ही क्या किया था, सुझाव दिया था। आपको इसमें बताना है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत एग्जाम में फंसाते हैं। कांग्रेस ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था, साइमन कमीशन में एक भी सदस्य नहीं थे। अरे वाह बहुत बढ़िया, 96% जवाब, बहुत बड़ा शानदार यार, बहुत खूब। कांग्रेस ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया। ४४% रिजल्ट चलता हुआ, बहुत बढ़िया। जिन साथियों को प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना है, आप विपिन जायसवाल कोड का क्या करिए, इस्तेमाल करिए। 84% सही जवाब बताओ, क्या है, बहुत करेक्ट है, ठीक है बिल्कुल। साइमन ने कांग्रेस ने विरोध किया, क्यों किया, क्योंकि एक भी सदस्य क्या था, भारतीय नहीं था। दोनों कथन क्या है, सही है, इसलिए इसका सही जवाब क्या, ए इसका क्या होगा, करेक्ट जवाब। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन साइमन कमीशन के बदले में सही नहीं है, ठीक है। अच्छा यूपी सेंसेक्स की क्लास करवा देते हैं, चलिए शाम को देखते हैं, अगर हो पाएगा तो करवाते हैं, शाम करवाते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन साइमन कमीशन के चिंतन में संबंध नहीं है, सही नहीं है। उसकी नियुक्ति 1919 के एक्ट के क्रियान्वयन के पूछताछ के लिए की गई, उसके अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे, उसने संघीय प्रकार की सरकार के लिए क्या है, संस्तुति की थी, और आपको बताना है भारतीय नेताओं ने उसका विरोध किया था। आपको बताना है इनमें से सही जवाब क्या है, आपको बताना है इनमें से सही जवाब क्या है। ये रहा पोल आपके सामने, यूपी में प्रथम कौन है, ये फसल वगैरह में, खनिज वगैरह में, इसकी बात कर रहे हैं ना आप, उसके बात कर रहे हैं ना। सुनील तिवारी जी, प्रवीण सिंह जी का वेलकम है। निम्नलिखित कथनों में से कौन साइमन कमीशन के साथ में संबंध नहीं है, बिल्कुल हाँ उसको करवा देते, ठीक है। भारत ने प्रशासनिक सुधार की जांच 1919 भारत सरकार अधिनियम की व्यवस्था पर आधारित थे के लिए किया गया था, के सुधार पर किया गया था, के कुर्बान के लिए क्या किया गया था, एक्ट के अनुसार ही किया गया था, तो ये सही है। अध्यक्ष जान समझ कमीशन थे, ये भी सही है। संघीय प्रकार के सरकार के लिए गवर्नेंस थी, ये भी सही है, और भारतीय नेताओं ने उसका विरोध किया, ठीक है हाँ उपयुक्त सभी क्या, इसका सही जवाब। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के काल के संदर्भ में नेहरू रिपोर्ट में निम्नांकित में से किसकी अनुशंसा की गई थी, आपको जवाब देना। प्रणाम प्रवीण जी, खुशरी अंकिता जी का वेलकम है। भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता संग्राम, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के
में नेहरू रिपोर्ट में निम्नलिखित में से किस किस की अनुशंसा की गई थी। काजल पाल जी का वेलकम है। कितना बच्चा लाइव शो कर रहा है। भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता, अल्पसंख्यकों आरक्षित स्थानों के संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र, ठीक है, संविधान में भारतीयों के लिए मौलिक अधिकार का प्रावधान। आपको इनमें से देना है सही जवाब। काफी कम बच्चे क्लास में आजकल आ रहे हैं लाइव। आपको इनमें देना है सही जवाब। कराया जाए पोल। चले, ये रहा पोल आपके सामने। थ्री% सही जवाब चलता हुआ। अजय प्रताप जी का वेलकम है, स्वागत है आपका। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के काल में संदर्भ में नेहरू रिपोर्ट में निम्नलिखित में से किस किस की अनुशंसा की गई थी। 23% सही जवाब चलता हुआ। पोल क्या मैंने लगाया, बी लगाया ना। चेक है पोल। करेक्ट है, करेक्ट है, करेक्ट है, ठीक है। अच्छा, क्लास की टाइमिंग नहीं सही है। नहीं सही है। विनय राजपुरिया जी वेलकम है। ऐसा नहीं है, सही है क्लास की टाइमिंग। इसी क्लास में आपके 350, ठीक है, इसी आपके क्लास में क्या है 350 से भी क्या है बच्चे आए हुए हैं, ठीक है, ठीक है। भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्र साम्राज्य, पूर्ण स्वतंत्रता, देखिए अब ये बात तो हुई नहीं थी, इसकी डोमिनियन स्टेट की बात हुई थी, ठीक है, हाँ बिल्कुल, ठीक है, ये गलत होगा क्योंकि यहाँ पे क्या है डोमिनियन स्टेट की बात की गई थी, तो ये निकल जाएगा। अब ए निकलने के बाद ये ऑप्शन, ये आपका गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। अब बताइए कौन सही होगा, अब कौन सही होगा, ठीक है, अब कौन सा सही होगा, 2 और 3 क्या हो जाएगा सही होगा, ठीक है। विकास सिंह जी वेलकम, स्वागत है आपका। नेहरू रिपोर्ट पूछ रहे हैं कब आई थी, नेहरू रिपोर्ट कब आई थी बताइए, बताइए नेहरू रिपोर्ट कब आई थी। अजय जी, अंकित चौहान जी वेलकम भैया, स्वागत है आपका, ठीक है, 1928 में। हाँ हाँ नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल पालन, मैं समझ रहा हूँ जो बच्चे कम आ रहे हैं, ऐसा नहीं है बच्चे कम आ रहे हैं, लगभग 100 से अधिक बच्चा जो मेरे ही नियमों का पालन कर रहा है, ऐसा नहीं है। 100 से अधिक बच्चा क्या है वो मैंने ही खुद ग्रुप पे मैसेज किया है कि भैया जो पीसीएस के लिए पूरी तरीके से सीरियस है वो आपको जरूरी लगे तभी क्लास देखिए, थ्योरी मत पढ़िए, थ्योरी मत पढ़िए, क्वेश्चन करिए, थ्योरी पढ़ना बंद कर दीजिए। संगीता जी वेलकम, स्वागत है आपका। इसलिए सही 2-3 था, तो मैंने ही ये बात कहा, ऐसा नहीं, मैं समझ रहा हूँ कि बच्चा कम आ रहा है। 11 अक्टूबर के बाद फिर से आपके विपिन सर की क्लास में बाहर होगी, 200+ बच्चा होगा, ये गारंटी, ठीक है। नेहरू रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रेम तिवारी जी, संगीता जी का वेलकम है। नेहरू रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नेहरू रिपोर्ट में राज्य का धर्म निरपेक्ष स्वरूप का एक मूल अधिकार के रूप में दर्ज किया गया था, ठीक है, और नेहरू रिपोर्ट ने सिफारिश की थी कि राज्य के पुनर्विभाजन भाषाई आधार पर किया जाना चाहिए। अच्छा, भाषाई आधार पर किया जाना चाहिए, ठीक है। चलिए, आपको बताना है इनमें से सही जवाब, आपको इनमें से बताना है सही जवाब। नेहरू रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित में कथनों पर क्या कीजिए, विचार कीजिए। करा दिया जाए पोल, करा दिया जाए पोल। हसन रिजवी जी वेलकम, स्वागत है हसन रिजवी जी, कैसे हैं आप। थर्टी एट परसेंट सही जवाब चलता। विशाल कुमार जी का वेलकम है, स्वागत है विशाल जी, ठीक है। जय हिंद हसन रिजवी जी। क्या है पहला और दूसरा, प्रीति सागर जी वेलकम, स्वागत है। पहला और दूसरा नहीं, गलत नहीं है, गलत नहीं है, ठीक है। सिंध को अलग करके मुस्लिम बहुत प्रांत बनाना, धीरज जी, ठीक है। धीरज उपाध्याय जी वेलकम दिया, स्वागत है आपका, ठीक है। हाँ, हमें कंफ्यूज कर दिया क्योंकि भाषाई आधार पर सिफारिश तो की गई थी, बनाया नहीं गया था। भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है, भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन है। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, आंध्र प्रदेश, बिल्कुल आंध्र प्रदेश, ठीक है। क्या नाम था उनका, रामल्लू, रामल्लू करके था। भूख हड़ताल पे बेचारे बैठे बैठे भूखे भूखे निकल गए बेचारे, फिर जा करके वहां आंदोलन हुआ, भाषा के आधार पे क्या है प्रथम राज्य बनाया गया, कौन है आपका, आंध्र प्रदेश बनाया गया। तो दोनों के कथन क्या है, दोनों कथन यहाँ क्या है सही है, दोनों कथन यहाँ सही।
उत्तर प्रदेश का नामकरण करा दें, उत्तर प्रदेश का नामकरण करा दें क्या? छोटा सा टॉपिक है। सरता पवन कुमार जी वेलकम, भी स्वागत है आपका। हाँ उत्तर प्रदेश का नामकरण करवा देते हैं। अभी अभी क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है, लीडर बोर्ड कीर्ति जी अभी दिखा देंगे, ठीक है लीडर बोर्ड। चले एक क्वेश्चन और करके फिर उत्तर प्रदेश। साइमन कमीशन भारत कब आया? अभी बच्चे ने क्वेश्चन पूछा, ठीक है। हाँ रामुल्लू, रामुल्लू का विकेट गिरा था, बिल्कुल। साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया वो करा देते हैं, क्योंकि उसमें हम आपको बताएंगे, आपको बताएंगे कि क्या क्या कारण हो सकते हैं, कैसे कैसे। कुछ नाम तो हम आपको ऐसे बताएंगे जो आप कहोगे आज सर पहली बार सुन रहे हैं, कुछ क्वेश्चन नाम ऐसे बताएंगे। फरवरी 1928, बिल्कुल। कुछ नाम मैं आपको ऐसे बताऊंगा, आपको लगेगा सर ये तो मैंने नाम सुना ही नहीं था, ठीक है। 60% जवाब आता हुआ क्या है? हाँ अनुपम जी रिवीजन ही चल रहा है, ये रिवीजन के लिए हम उसी कड़ी में आगे बढ़ रहे हैं, पर वो कल वाला टॉपिक छूट गया था ना उसको। संजीव राठौर जी, कीर्ति सिंह जी, दिव्य मोहन जी, रणवीर सिंह जी, शुक्ला जी, सोहित तिवारी, अश्विनी कुमार, भूपेन्द्र सिंह, रिक्की यादव, शिखा त्रिपाठी, ठीक है ये लीडर बोर्ड। चलो चलिए अब कुछ कर लेते हैं, फिर आ जाएंगे, फिर अभी आ जाएंगे, ज्यादा नहीं, 5-7 मिनट का टॉपिक है, ज्यादा टॉपिक नहीं, ठीक है ज्यादा टॉपिक नहीं है, उसमें ज्यादा पॉइंट नहीं। उत्तर प्रदेश का नामकरण करते हैं, ठीक है। हमने जाना, हमने आपको बताया ही कि प्राचीन नाम उत्तर प्रदेश का क्या है, आपको पता ही है प्राचीन नाम उत्तर प्रदेश का क्या है, आपका मध्य देश है उत्तर प्रदेश का प्राचीन नाम। संतोष सिंह जी, परिहार जी, वेलकम। उत्तर प्रदेश का प्राचीन नाम क्या है? मध्य देश। अब हम बात कर लेते हैं, संतोष सिंह परिहार जी का वेलकम है, हम बाकी बात करते हैं कि अंग्रेजों के टाइम पे, अंग्रेजों के टाइम पे क्या हुआ। तो जब अंग्रेजी राज्य की स्थापना के समय जो उत्तर प्रदेश होता करता था, अंग्रेजी राज स्थापना के समय उत्तर प्रदेश, या कह सकते हैं उत्तर प्रदेश, या कह सकते हैं यह प्रांत, यह प्रांत बंगाल प्रेसिडेंसी का भाग हुआ करता था। किसका भाग हुआ करता था? बंगाल प्रेसिडेंसी का भाग हुआ करता था। किसका भाग हुआ करता था? बंगाल प्रेसिडेंसी का भाग हुआ करता था, कह सकते हैं हिस्सा हुआ करता था। इसलिए इसे क्या कहते थे? इसे क्या कहते थे? पश्चिमी प्रांत के नाम से जाना जाता था, ठीक है। इसलिए इसे, अच्छा, पश्चिमी प्रांत के नाम से जाना था, तो एक नाम से जाना था। आपने देखा नाम पहले क्या था? मध्य देश के नाम से जाना जाता था इसको, मध्य देश के नाम से जाना जाता था। और फिर अब क्या हो गया है? अब इसको क्या है? पश्चिमी, पश्चिमी प्रांत के नाम से क्या है इसको जाना जाता है, पश्चिमी प्रांत के नाम से जाना गया था, ठीक है ठीक है। ये बंगाल प्रेसिडेंसी का क्या हुआ करता था? भाग हुआ करता था। हुआ क्या आगे चल करके? सन 1833 में आगरा प्रेसिडेंसी का निर्माण किया गया, ठीक है। आगरा प्रेसिडेंसी का निर्माण किया गया, और इसे, इसे एक मतलब किसे, और इसे क्या है, इसे का मतलब किसे, इसे का मतलब यूपी को कहा कर दिया गया? यूपी को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग कर दिया गया, बंगाल, सालू तिवारी जी वेलकम, बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग कर दिया गया। क्या कर दिया गया? अलग कर दिया गया। क्लियर, इतना पॉइंट क्लियर है सभी को? इतना पॉइंट क्लियर है? उत्तर प्रदेश के नामकरण के सीन में चलते हैं, ठीक है। तो जो आप लोग यूनाइटेड प्रोविंस जानते हो, यूनाइटेड प्रोविंस किसका नाम है पुराना नाम? यूनाइटेड प्रोविंस किसका नाम है पुराना? यूपी का नाम है ना, यूपी का नाम है ना, तो आप लोग बस उसी को जानते हो। अब उसी के क्या है, देख लीजिए, पश्चिमी प्रांत भी हुआ करता था, वेस्टर्न प्रोविंस के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है। फिर आगरा प्रेसिडेंसी के नाम से जाना जाएगा। अभी आगे हम बताएंगे कि और क्या क्या इसमें से कारण हो सकते थे, और क्या क्या कारण हो सकते थे, ठीक है। सन 1836 की बात चलती है, तो सन 1836 में इसका नाम बदल करके, आगरा प्रेसिडेंसी का नाम बदल करके, या इसका नाम बदल करके, इसका नाम क्या कर दिया गया? उत्तर पश्चिमी प्रांत कर दिया गया। क्या नाम कर दिया गया? उत्तर पश्चिमी प्रांत कर दिया गया। रिया जी का वेलकम है, स्वागत है रिया के। उत्तर पश्चिमी प्रांत क्या क्या कर दिया गया, ठीक है। महिमा गुप्ता जी का वेलकम है, स्वागत है आपका। उत्तर पश्चिमी प्रांत कर दिया, तथा जो इसका मुख्यालय था,
आवाज रुक रही है क्या? जिसका मुख्यालय था वो मुख्यालय क्या था? मुख्यालय आगरा बनाया गया। मुख्यालय क्या बनाएगा? आगरा बनाया गया। ठीक है, फिर बात आती है 1857 की क्रांति होती है, 1858 में रानी का घोषणा पत्र आता है, रानी का घोषणा पत्र आता है। हाँ बिल्कुल, 1836 में हेडक्वार्टर क्या है? ये आगरा है। और इसका मुख्यालय 1858 में इसका मुख्यालय आगरा से कहाँ शिफ्ट कर दिया गया? आगरा से शिफ्ट करके कहाँ पे ले आया गया? हिमांशु जी का वेलकम है। आगरा से शिफ्ट करके इसको कहाँ पहुंचा दिया गया? प्रयागराज पहुंचा दिया गया। अरे प्रवीण जी इलाहाबाद मत बोलो, आजकल योगी जी मूड में है, कहीं मूड उड खराब हुआ तो गाड़ी वाली पलटवा देंगे, फिर इलाहाबाद इलाहाबाद करते रहना। ठीक है, हाँ रानी का घोषणा पत्र यही रेड किया गया था इलाहाबाद में। गुड मॉर्निंग महिमा जी। ठीक है ठीक है, अब आगे चलते हैं 1869 में, 1869 में उच्च न्यायालय को भी, उच्च न्यायालय को भी कहाँ शिफ्ट कर दिया गया? आगरा से कहाँ शिफ्ट कर दिया गया? आगरा से शिफ्ट कर दिया गया, कहाँ है? आपके प्रयागराज में। ठीक है, आगरा से कहाँ शिफ्ट किया गया? इसको भी आगरा से कहाँ शिफ्ट कर दिया गया? प्रयाग में शिफ्ट कर दिया गया। ठीक है, स्वागत है आपका भाई साहब, अंकित जी का वेलकम दिया, स्वागत है। एक लोग भाई साहब ईमेल आईडी के नाम से आए हैं, बहुत लंबा चौड़ा नाम है, हमसे रीड नहीं हो पा रहा है। कोई बच्चा का रीड कर लेगा तो नाम ले लेगा, मन में ही नाम ले लेगा भाई साहब का। हुआ क्या, 1877 में, 1877 में अवध, अवध और उत्तर पश्चिमी प्रांत, अवध और उत्तर पश्चिमी प्रांत, ऐसे जो उजुल फुजुल नाम से बना करके आते हैं ना, ठीक है ठीक है, ऐसे यही लोग तो लर्नर ब्लॉक होते हैं अनकेडमी से। कल 5 लोगों पे तलवार गिर गई है। 1877 में अवध और उत्तरी पश्चिमी प्रांत को एकीकरण करके, इसका क्या करके? एकीकरण करके, एकीकरण करके इसका नाम, मैं बहराइच से हूँ भैया, इसका नाम क्या कर दिया गया? इसका नाम बदल करके उत्तर पश्चिमी प्रांत एक दिन क्या है इसका, आगरा और अवध, आगरा और अवध। हाँ बिल्कुल, अमरनाथ सर हमारे बड़े भाई हैं, अमरनाथ सर बड़े भाई हैं हमारे। उत्तर पश्चिमी प्रांत, आगरा और अवध क्या है? आगरा और अवध ये क्या कार्य कर दिया गया था? ये नाम का एकीकरण करके, अवध और उत्तर पश्चिमी प्रांत का एकीकरण करके क्या कर दिया गया था? एकीकरण करके। और देखिए भाई भाई हैं और बड़े भाई का बड़ा हक है, बड़े भाई टॉप 2 पर है, छोटा भाई टॉप 3 पर है। ठीक है ठीक है, तो सर का प्यार है, सर का सहयोग है, बना रहे ऐसे ही। ठीक है, फिर क्या हुआ 1902 में, 1902 में इसका नाम बदल करके, ठीक है इसका नाम बदल कर, ठीक है हाँ झिंगार जबरदस्त चीज करते हैं, क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्वेश्चन बता रहा हूँ कैसे पूछा जाएगा। इसका नाम बदल करके क्या है? आगरा और, आगरा और, बहुत शानदार पढ़ाते हैं बिल्कुल, आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत कर दिया गया, अवध का संयुक्त प्रांत कर दिया गया। दोनों लोग भौकाल मचाए हैं, संयुक्त प्रांत कर दिया गया बिल्कुल। ठीक है, अवध और संयुक्त प्रांत कर दिया गया। ठीक है, और फाइनली 1937 में, ठीक है फाइनली 1937 में किसका नाम बदल के, इसका नाम संक्षिप्त कर दिया गया, इसका नाम संक्षिप्त रूप में, ठीक है क्या कर दिया गया? संक्षिप्त रूप में क्या कर दिया गया? संयुक्त प्रांत कर दिया गया। तो अब क्लियर हो गया कितने नाम चेंज हुए हैं, कितने नाम चेंज हो गए, फाइनली क्या है? संयुक्त प्रांत कर दिया गया। ठीक है, संयुक्त प्रांत कर दिया गया। ठीक है, स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद, स्वतंत्रता के, अभी क्वेश्चन करना है अभी आपको, स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद 12 जनवरी, दीपक चौरसिया जी वेलकम है, 1950 को,
इस क्षेत्र का नाम उत्तर प्रदेश कर दिया गया, उत्तर प्रदेश कर दिया गया। और उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? कोई कमेंट करिए जल्दी से। 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस मनाया जाता है। 26 जनवरी को क्या हो गया? भारत एक गणतंत्र राज्य बना। भारत एक क्या है? गणतंत्र राज्य बना। और उत्तर प्रदेश क्या है? उत्तर प्रदेश उस गणतंत्र राज्य का क्या हुआ? उत्तर प्रदेश उस गणतंत्र, या कह सकते हैं उस गणतंत्र का क्या हुआ? एक हिस्सा हुआ। गणतंत्र का एक पूर्ण राज्य बना, एक क्या है, पूर्ण राज्य के रूप में इसको बना दिया, ठीक है। और जिसकी लखनऊ राजधानी है, जिसकी राजधानी क्या है? लखनऊ क्या है? राजधानी, ठीक है। नीलेन सिंह जी का वेलकम है, स्वागत है आपका। चलिए हो गया ना, ये था इतना 10 मिनट का टॉपिक था। अब हम क्वेश्चन की ओर लौटते हैं, ये अब हम क्वेश्चन की ओर अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा क्वेश्चन करवा रहे थे, कोई ये बताएगा? अच्छा ये हो गया था, नहीं पहले भी मनाया जाता था, ऐसा नहीं है, पर पहले उतना ध्यान नहीं गया था। पहले बस पिताजी का बर्थडे ज्यादा सेलिब्रेट होता था कायदे से। निम्न में से कौन मोतीलाल नेहरू समिति का सदस्य नहीं था? निम्नलिखित में कौन मोतीलाल नेहरू समिति का सदस्य नहीं था? सुभाष चंद्र बोस, जी आर प्रधान, सर अली इमाम, अरविंद घोष। अरविंद घोष, आपको जवाब देना है, आपको जवाब देना है कि निम्न में से कौन नेहरू समिति का क्या हुआ करता था? सदस्य नहीं था। आपको देना है सही जवाब। विजय चंद्रा जी का वेलकम, स्वागत है आपका। काफी लेट जुड़ रहे हैं बच्चे। अगली क्लास आपकी बता दें 3 बजे से होगी। अगली क्लास आपको बता दें कि 3 बजे से होगी। ठीक है, अरविंद घोष क्या है इसका सही जवाब है। अरविंद घोष क्या हुआ करते थे? ए नेहरू समिति का क्या हुआ करते थे? डीसी चंदेल जी का वेलकम है, डीसी चंदेल जी स्वागत है आपका। अगला क्वेश्चन रीड करिए, ठीक है। हाँ अगला क्वेश्चन रीड करिए। नेहरू रिपोर्ट किसने तैयार की थी? एमएल नेहरू ने, जे नेहरू ने, आर के नेहरू ने, कितने नेहरू हो गए भैया? और क्या है आपका, और एक क्या है, आर के नेहरू, बी एल नेहरू। पुष्प कुमार जी वेलकम डियर, स्वागत है आपका, ठीक है। ठीक है, नेहरू रिपोर्ट किसने तैयार की थी? आपको जवाब देना है। आसान सा क्वेश्चन है, जवाब बनना चाहिए। आसान सा क्वेश्चन, इतना मुश्किल भी नहीं है, ठीक है। और जो भी साथी ग्रुप पे नहीं जुड़े हैं वो मुझे मैसेज कर देंगे, मैं आपको ग्रुप पे जोड़ दूंगा, जिससे क्लास का लिंक और क्लास का पीडीएफ आपको मिलता रहे, ठीक है। 62% सही जवाब है, चलो 153 पहुंच गए, ठीक है। अश्विनी जी थैंक यू अश्विनी जी, ठीक है। मोतीलाल नेहरू क्या है इसका करेक्ट जवाब है, मोतीलाल नेहरू क्या है इसका सही जवाब। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत के लिए औपनिवेशिक गणराज्य की मांग की थी? स्वराज की मांग। शिशिर सिंह गोरखपुर वाले वेलकम डियर, स्वागत है आपका। निम्नलिखित में से किसने भारत के लिए औपनिवेशिक सर्वप्रथम भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज की मांग की थी? आपको बताने सही जवाब। ये क्वेश्चन फंसेगा, ठीक है। 17% जवाब चलता है, बेहतर है। रश्मि यादव जी का वेलकम है, स्वागत है। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज की मांग की थी? आपको जवाब देना है। राजगोपालाचार्य, सरदार पटेल, पंडित मोतीलाल नेहरू, गोविंद बल्लभ पंत, तेज बहादुर। ये दोनों, तेज बहादुर, शत्रु और जयशंकर, ठीक है। 21% सही जवाब आता हुआ, ठीक है। नहीं वो नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं। नीलेन जी, गलतियां करने के बाद ही सीखेंगे।
और जब आपसे नहीं बनेगा तो आप थोड़ा सा क्या होंगे, पढ़ने की ओर अग्रसर होंगे कि नहीं, बहुत सारा टॉपिक छूटा हुआ है। पर अभी क्या है, अभी मूल्य अगर पेपर है आपका 11 अक्टूबर का, तो अभी पढ़ने में मत बाजिएगा, केवल क्या करिएगा, आप प्रैक्टिस सेट करिए, प्रैक्टिस सेट करिए, फिर से उसके बाद प्लस ले लीजिएगा, हम आपको पूरा सारा चीजें पढ़ा देंगे, ठीक है। तीसरा त्रिभाजु सत्र, ठीक है। अच्छा, फिर तो कोई दिक्कत नहीं भैया, करते रहो करते रहो करते रहो, ठीक है। अभी पंडित का वेलकम है, स्वागत। साइमन कमीशन की सिफारिश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? इसने प्रांतों में द्वंद्व शासन के उत्तरदायी के प्रस्तावित करने की संस्तुति की। इसने गृह विभाग के अधीन अंतर प्रांतीय परिषद स्थापित करने का सुझाव दिया। इसने केंद्र में द्विसदनीय विधायिका के उन्मूलन का सुझाव दिया। और आपको इसने भारतीय पुलिस सेवा इस प्रावधान के साथ सृजित करने की रिकमेंडेशन की कि ब्रिटिश भर्ती का भारतीय भर्ती की तुलना में वेतन और भत्ता अधिक होगा। आपको इनमें से जवाब देना है कि कौन सा क्या है इनमें से सही नहीं, एक सही है, एक सही है। आसान है, ओके 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 ओके, गॉट इट। साइमन कमीशन की सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? सही पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा, सही है। आप लोग पहला ऑप्शन कायदे से नहीं पढ़े हो यार। इसने प्रांतों में द्वंद्व शासन के उत्तरदायी सरकार द्वारा स्थापित करने की रिकमेंडेशन की, डोमिनियन स्टेट की बात की थी, नहीं की थी, बताइए। साइमन कमीशन की सिफारिश में बताइए, हुई थी नहीं हुई थी, बताइए, हुई थी। अरे भैया कमेंट करते रहिए मालिक। कांग्रेस दल का उग्र शाखा ने, जिसके एक प्रमुख नेता जवाहरलाल नेहरू थे, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना की। वह लीग इसके विरोध में स्थापित की गई थी, ठीक है ठीक है ठीक है। गांधी इरविन समझौता, होम रूल आंदोलन, नेहरू रिपोर्ट, और क्या है, और क्या है, मॉन्टफोर्ट सुधार। कुमकुम शुक्ला जी का वेलकम है, स्वागत है आपका, ठीक है। आपको जवाब देना है इनमें से कि किसके विरोध में स्थापित की गई थी, किसके विरोध में स्थापित की गई थी। ये रहा पोल आपके सामने। साइमन कमीशन में उसकी बात ही नहीं की गई थी, डी की बात ही नहीं की गई थी साइमन कमीशन में। साइमन कमीशन में तो डी की बात ही नहीं की गई, डोमिनियन स्टेट पे मोन फोकस किया गया था वहां पे, ठीक है। बर्मा को विलय कर दिया गया था, विलक कर दिया गया था, उड़ीसा एवं सिंध को अलग राज्य बनाया गया था, बहुत सारे थे। प्रांतीय विधानमंडल के सदस्यों की संख्या बढ़ानी थी, 36% सही जवाब चलता हुआ। कांग्रेस के उस शाखा ने, जिसके एक प्रमुख नेता जवाहरलाल नेहरू थे, इंडिपेंडेंट फॉर इंडिया लीग की स्थापना की। वह किस लीग के विरोध में स्थापित हुई थी? वो नेहरू रिपोर्ट के विरोध में क्या हुई थी, नेहरू रिपोर्ट में, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या किया गया था, नेहरू रिपोर्ट और मद्रास अधिवेशन में मात्र औपनिवेशिक स्वराज की मांग की गई थी, औपनिवेशिक स्वराज की मांग की गई थी। पूर्ण स्वराज को लोकप्रिय बनाने के लिए जवाहरलाल नेहरू और क्या है, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने नवंबर 1928 में ऑल इंडिया इंडिपेंडेंट फॉर इंडियन लीग की क्या की थी, AAIIL की स्थापना की थी। हाँ बिल्कुल, जरूरी हो जाता है जब देश की बात आती है तो बप्पा का भी विरोध किया जाता है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के काल के संदर्भ में इंडियन स्टेचुटरी कमीशन को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता था? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के काल में संदर्भ में इंडियन स्टेचुटरी कमीशन को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता था? आपको इनमें से देना है सही जवाब। क्या है, कैबिनेट मिशन, हंटर मिशन, सैडलर कमीशन, सॉरी साइमन कमीशन। आपको देना है सही जवाब। सही जवाब क्या है, साइमन कमीशन। आमतौर पर किस नाम से जाना जाता था, ये साइमन कमीशन के नाम से। अगला क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। किसने कहा, मेरी पीठ पे किया जाने वाला प्रत्येक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में एक कील सिद्ध होगा? ठीक है, नाइस क्वेश्चन है, फर्स्ट टाइम, ओके ओके ठीक है। मेरी पीठ पे किया जाने वाला प्रत्येक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में एक कील सिद्ध होगा। आपको बताना है किसने कहा था, ये तो सभी को याद होगा, ये सभी को तो पता होगा।
69% सही जवाब चलता हुआ। इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है सैंडी यादव जी, वेलकम, स्वागत है आपका। लाला लाजपत राय क्या है इसका सही जवाब है? लाला लाजपत राय इसका क्या है सही जवाब है? बिल्कुल हाँ, उसी में लाठी उनके ऊपर पड़ गई थी, ठीक है, और बेचारे उनका स्वर्गवास हो गया था। यह कटाक्ष कि भारतवासी किसी संविधान पर एकमत होने में असमर्थ है, किसने किया था? आपको जवाब देना है। यह कटाक्ष कि भारतवासी किसी संविधान पर एकमत होने में असमर्थ है, किसने किया था? साइक्स ने, साइमन ने, ब्रेकनहेड ने और रीडिंग ने? आपको जवाब देना है, आपको जवाब देना है यह कटाक्ष किसने किया था। और लीडर बोर्ड भी हम आपको दिखा दें ना। बच्चा फंसता हुआ इसमें सचू जो हुआ करते थे वो सचू लॉर्ड बिक्रेन हेड हुआ करते थे, लॉर्ड बिक्रेन हेड हुआ करते थे, ये सचिव हुआ करते थे। उन्होंने भारतवासियों को बताया कि एक संविधान पे एकमत होने में असहमत है, उन्होंने चैलेंज किया कि उसने भारतीय नेताओं को संविधान बनाने को चुनौती दी, ठीक है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल हाँ, इसी ने चैलेंज, बिल्कुल आदि विमोहन जी, ठीक है, चैलेंज किया था कि भारतवासी क्या कोई करके, ठीक है, भारतवासी क्या करे, एक ऐसा संविधान बनाए जिसपे सभी सहमत हो, और जिसको लेकर के क्या हुआ, जिसको लेकर कोई बातचीत, इसीलिए नेहरू रिपोर्ट इसी के कारण आई थी, इसी के फलस्वरूप क्या, परिणाम स्वरूप क्या है, मोतीलाल नेहरू के द्वारा नेहरू रिपोर्ट किया। साइमन गोबैक के नारों का निर्माण किसने किया? यूसुफ मेहर अली, महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय, मोतीलाल नेहरू? आपको देना है सही जवाब, ये रहा बोला। कम्युनिस्ट नेताओं के बीच में यूसुफ मेहर अली ने किया था, यूसुफ मेहर अली ने किया था साइमन गोबैक के नारों का निर्माण, साइमन गोबैक के नारों का निर्माण यूसुफ मेहर अली ने किया था, ठीक है। 6-7 क्वेश्चन और है, उनको भी कर लेते हैं फटाफट, ठीक है। साइमन कमीशन भारत में इस उद्देश्य से आया था, आपको जवाब देना है। साइमन कमीशन भारत में किस उद्देश्य से आया था? आपको देना है सही जवाब। सरकारी नौकरी की नियुक्ति से जुड़ी हुई नीतियों की रिकमेंडेशन, भारत में राजनीतिक दशा के नवीन पेज कर, रामपेड़ समस्या का हल, ठीक है, और क्या अंग्रेजों द्वारा भारत में एक उत्तरदायी सरकार के धारणा को प्रकट करना, ये रहा पोल आपके साथ। अगली क्लास 3 बजे से होगी, तो आप सभी का वेलकम रहेगा। साइमन कमीशन भारत में इस उद्देश्य से आया था, आपको जवाब देना, किस उद्देश्य से आया था? 77% जवाब चलता हुआ, 77% क्या है सर? अंग्रेजों द्वारा भारत में एक उत्तरदायी सरकार के गठन की क्या करना, धारणा पकड़ना। उस क्वेश्चन में हम पोल्टी वगैरह करवा देते हैं, पोल्टी करवा देते हैं, पोल्टी और ज्योग्राफी करवा देते हैं, ठीक है। उस वाले 1929 में क्या था, 1929 में बताया गया है पूर्व स्वराज का पताका किसने फताया, किसने उठाया था, आपको बताना है, आपको बताना है पूर्व स्वराज का पताका किसने उठाया था, आपको देना है सही है। बहुत मुश्किल सा क्वेश्चन है। श्वेता पांडे जी, प्रिंस सिंह जी का वेलकम है, स्वागत है आपका। 1929 में कांग्रेस अधिवेशन के पूर्व स्वराज का पताका किसने उठाया था? 62% सही जवाब चलता हुआ, क्या है इसका सही जवाब? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था, पूर्ण स्वराज का पताका उठाया था, पूर्ण स्वराज का पताका उठाया। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था जब पूर्ण साम्राज्य का, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव किया था, ठीक है, अच्छा। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था जब पूर्ण स्वराज का क्या हुआ था, प्रस्ताव पारित हुआ था, आपको देना है सही जवाब, ये रहा बोला। ये भी बहुत मुश्किल सा क्वेश्चन, ठीक है, बहुत मुश्किल सा क्वेश्चन ये भी। बहुत बार ये 7 से 8 बार क्वेश्चन पूछा गया है। विशाल जी का वेलकम है, 7 से 8 बार क्वेश्चन पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से है। 3 स्टार दे दीजिए इस क्वेश्चन को, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू क्या है इसका सही जवाब, ठीक है। अच्छा कीर्ति जी, नहीं आप तो आती है, रेगुलर आती है कीर्ति जी, मुझे लगता है कि आप रेगुलर आती है। 74% जवाब आता हो। हेलो विशाल जी, कैसे विशाल? जो बच्चे ग्रुप पे नहीं ऐड है ना, वो मुझे विपिन कुमार गुप्ता प्रोफाइल पे जा करके फॉलो कर लीजिएगा, और फॉलो करने के बाद मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं आपको यहाँ से उठा लूंगा और ग्रुप में आपको ऐड कर लूंगा, ग्रुप में ऐड कर लूंगा, ठीक है।
हाँ थोड़ा सा कल फीवर वगैरह था ना, तो थोड़ा सा अभी भी वो लग रहा है। ठीक है, क्लास में मजा आ रहा, बहुत बढ़िया। अरे मजा आएगा, वेट करो थोड़ा सा और हेल्थ थोड़ा सा सुधारने दो। निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? भारतीय संविधान के उद्देश्यों को कौन प्रतिबिंबित करता है? आपका देना है सही जवाब। ये रहा पोल आपके सामने। क्वेश्चन का लेवल ऐसे रहेगा जैसा आपका यूपीपीएससी में पूछा जाएगा, क्वेश्चन के लेवल के साथ कोई समझौता नहीं हमारे पास। ठीक है, और प्लस पे आप आइए, आप लोग जुड़िए प्लस पर, अनकेडमी प्लस पर आइए। आप सभी से निवेदन है जुड़िए, विपिन जायसवाल कोड का इस्तेमाल भी करिए, आपको बहुत कुछ सिखाएंगे हम। ठीक है, चंद्रकांत सिंह जी का वेलकम है, पूरी टीम आपके साथ आ रही है। ठीक है, जिसमें आपके धनंजय सर हैं, जिसमें आपके अमरनाथ गुप्ता सर हैं। ठीक है, हाँ क्या है संविधान की प्रस्तावना प्रतिबंधित कर, एक बार लीडर देख लिख लो। और भी क्वेश्चन है, संजीव राठौर जी टॉप पे चले हैं, रणवीर सिंह जी, दिव्य मोहन सिंह जी, कीर्ति सिंह जी, सीवी यादव, शुक्ला जी, अश्विनी तिवारी, रिक्की यादव, अंकिता जी, माँ का लाडला, ये चल रहा है लीडर बोर्ड। ठीक है, भारत में राजनीतिक सत्ता के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं? आपको बताना, राजनीतिक सत्ता के प्रमुख स्रोत कौन है? आपको देना है सही जवाब। बहुत मुश्किल सा क्वेश्चन। ठीक है, तो जो बच्चे ग्रुप पे मेरे साथ नहीं जुड़े हैं वो प्लीज ग्रुप पे जुड़ जाइए। ठीक है, राजनीतिक सत्ता, अरे फंस गए यार, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, वी द पीपुल ऑफ इंडिया। संपूर्ण सत्ता कहाँ निहित है? जनता में निहित है भैया। इसका सही जवाब क्या है? इसका क्या है सही जवाब है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं? विकास बलियान जी कहाँ रह जाते हो भैया? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत की प्रस्तावना में नहीं है? ठीक है, ठीक है, हाँ, तो जो बच्चे, ठीक है, जो बच्चे अभी तक ग्रुप में मेरे साथ नहीं जुड़े हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं है, आपको देना है सही जवाब। ये रहा पोल आपके सामने। तो जो बच्चे ग्रुप में मेरे साथ नहीं जुड़े हैं वो विपिन कुमार गुप्ता प्रोफाइल पे जाकर के क्या कर सकते हैं? आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, फॉलो के बाद, करने के बाद आप मुझे यहाँ पे मैसेज कर दीजिएगा। मैसेज करने के बाद क्या है, आपको हम यहाँ से ग्रुप पे ऐड कर देंगे। ठीक है, आपको ग्रुप, अरे लोकतांत्रिक सरकारें कहाँ है पागल लोगो? जवाब देखो कितना आ रहा है, पगला उगला गए हो कहा? सभी लोग फंस गए, लोकतांत्रिक सरकार कभी सुने हो? प्रस्तावना में हर जी डुग्गी पीटना शुरू कर देते हो तुम लोग यार, हद है। हम तो क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में करके आते हो फिर माथा पकड़ोगे, अरे ये तो करना ही था। इसीलिए ऐसे क्वेश्चन डालवाता हूं मैं, इसीलिए ऐसे क्वेश्चन डालवाता हूं ताकि गलती से सीखते रहो बेटा। ठीक है, फंस गए, अगले क्वेश्चन और लो। ठीक है, हमारे निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा? आपको जवाब देना है, आपको इसमें देना है से किसने जन्म कुंडली कहा है, आपको देना है इसमें से सही जवाब। इसीलिए कहते हैं पढ़ चाहे इतना लो, क्वेश्चन और कंटेंट विपिन सर जैसा मिलेगा नहीं, ये गारंटी है, चाहे इतना पढ़ लो। ठीक है, चाहे इतना पढ़ लो, क्वेश्चन और कंटेंट हमारे जैसा मिलेगा नहीं। आपको बता दिखा दें, 3 बोरे कापी किताब रखे हैं, और जब मैं बैठता हूं ना तो मेरे घर वाले परेशान हो जाते हैं। ठीक है, मेरे बेड पे, मैं जितनी दिन हॉस्टल लाइफ में रहा है मैं रहा हूँ, ठीक है, मैं बता दूं कभी मेरा बेड साफ सुथरा नहीं होता था। इसका यह मतलब नहीं कि गंदगी होती थी, इसका यह मतलब केवल लेटने भर की हमारी जगह होती थी। जितेंद्र सिंह जी का वेलकम, केवल हमारे लेटने भर की जगह होती थी। पढ़ते रहते थे ऐसे किताब ना, और ऐसे फैल के ऐसे रख देते थे जहां है। और शाम को होता क्या था, जब जाना रहता था, ठीक है, ठीक है, शाम को जाना रहता था, ठीक है, तो केवल सरका करके सोना रहता था। जब सो बेड पे सोते थे, लेटे हैं बैठे हैं, इतना घेरे रहता था मैं किताब पे, कभी मेरे टेबल पे सजी हुई किताबें आप नहीं पाओगे, हमेशा बिखरी हुई पाओगे। घर वाले कोई पहुंच जाते थे, दोस्त मेरे दो तीन अच्छे, इतने अच्छे दोस्त थे, पहुंच जाते थे, प्यारी प्यारी सुनाते भी थी हमें, प्यारे प्यारे सुनाते भी थे, बंदे साफ भी कर देते थे कि भाई कायदे से रख लो। ठीक है, कायदे से रख लो। ठीक है, और एक तो, या फिर क्या होता था, जब किसी में दोस्तों को चाहिए होता था मेरा कुछ कंटेंट या नोट चाहिए होता था ना, तो फिर हमारा काम हो जाता था। हम उसको इतना घुसेड़ के रख देते थे ना अंदर कि भैया ढूंढ लो, हमें पता नहीं कहाँ। और ढूंढने के चक्कर में क्या होता था, सारा सिक्वेंस बैठ जाता था। हाँ चल सकते हैं बिल्कुल, तो चलिए फिर मिलते हैं, 3 बजे मिलते हैं आप सभी को। बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद। और जिन बच्चों को प्लस का सब्सक्रिप्शन चाहिए, वेट करो, जिन बच्चों का प्लस का सब्सक्रिप्शन चाहिए, आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप यहाँ वाले कोड पे
क्या कर सकते हैं, यहाँ पे विपिन जायसवाल कोड का क्या करिए, इस्तेमाल करिए, ठीक है, विपिन जायसवाल कोड का इस्तेमाल करिए, ठीक है। और क्या है, अगर कुछ फाइनल मैक्सिमम डिस्काउंट वगैरह चाहिए तो आप मुझे कॉल वॉल कर लेना, पता चल जाएगा। बाय बाय, थैंक यू, जय, थैंक यू, राधे राधे राधे।